हिसार में आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर के आई हूँ जहाँ पर भीड़ टूटने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है ना कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई गर्मी की छुट्टियाँ तो हो चुकी हैं लेकिन इतनी धूप के अंदर ऐसी कौन सी जगह आ गई, वो भी हिसार जैसे शहर के अंदर। तो आप लोग खुद देख लीजिए, जहाँ पर भी आप नज़रें दौड़ाएंगे ना आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। हर कोई इंतज़ार के अंदर था कि कब आखिरकार ये जगह खुलेगी, और ये जगह है हिसार का ट्रेड फेयर यानी कि हिसार का फन मेला, जो आप लोगों के लिए खास यहाँ पर खुल चुका है। और खास आपकी प्रोटेक्शन के अंदर लेडी गार्ड आज आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। हर बार आपने देखा था कि एक मेल गार्ड यहाँ पर हुआ करते थे। मैडम मुझे बताइए, स्पेशल आपको रखा गया इस बार? यस। अच्छा, आपको स्पेशली किस चीज़ के लिए रखा है? सेफ्टी के लिए रखा हुआ। सेफ्टी के लिए रखा, मतलब जो भी आएगा ना उसको आप कैसे मतलब उठा उठा के फेंक देंगी बाहर? नहीं नहीं मैडम, प्यार से हैंडल करते हैं। प्यार से हैंडल करेंगे। अच्छा, ज्यादा ही शरारत करेगा उसके साथ क्या करेंगे? नहीं नहीं मैडम, फिर भी प्यार से ही हैंडल प्यार से हैंडल करेंगे। चलिए चलिए, दबंग तो है लेकिन प्यार की भाषा से ही समझाएंगे। चलिए आपको अंदर लेकर के चलती हूँ और दिखाते है कि आखिरकार हिसार के फन मेले के अंदर कितनी मस्ती हो रही है। और ये देखिए कितने सारे लोग जो है इस वक्त यहाँ पर पहुँचते ही जा रहे हैं, पहुँचते ही जा रहे हैं। और अंदर एंटर करते ही ना आपको गोवा की फील आने वाली है। जो भी लोग गोवा नहीं जा पाए लेकिन दिखाना चाहते हैं अपने दोस्तों को कि गोवा आ चुके, वो यहाँ पर आ करके सेल्फी ले सकते हैं। सेल्फी पॉइंट अलग से आप लोगों के लिए खींचा दिया जो है यहाँ पर दिखाया गया। वहीं अंदर एंटर करते ही आपको यहाँ पर क्रोकरी मिलेगी, जहाँ पर अक्सर जो है सेल लगी रहती है। इस साइड आपको स्मोक बिस्किट मिलेंगे जो आप ट्राई कर सकते हैं। झूले आपको मिलेंगे बिल्कुल सीधा, जो आपको ना झूला देखने को मिलेगा। और ये वो स्टेज है जहाँ पर आकर के आपको रोज़ाना शाम को डांस परफॉर्मेंसेस दिखाई देगी। ऐसा कोई भी हरियाणवी कलाकार नहीं होगा जो यहाँ पर नहीं आया होगा। वहीं ये देख लीजिए, अलग अलग स्टाइल की चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आपको अपने घर के लिए चाहिए। भाई ये देख लीजिए, रामायण के अंदर आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से घायल हो गया था, और वैसे ही आज इसको यहाँ पर सजा दिया गया। अलग अलग तरीके की गेम्स आपको मिलेंगी, हर तरीके की गेम आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो फटाफट से हिसार के अग्रसेन भवन के जो है बिल्कुल सामने आ जाइए, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। देख लीजिए गेम खेलते हुए, भाई बड़ा मज़ा आता है। मैम कैसा लग रहा है गेम खेल के? कैसा लगा बच्चे? अच्छा। अच्छा लगा। सर कितने लोग आ जाते हैं गेम खेलने के लिए? बहुत ढेर लोग आ जाते हैं। अच्छा, आजकल तो फोन का जमाना है, फिर भी खेलते हैं ये? खेलते हैं, खेलते हैं। तो ये देख लीजिए, इतने सारे गेम्स खेलने के लिए लोगों की भीड़ जो है, लड़कियों की भीड़ आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जुट चुकी है। क्योंकि जहाँ पर सेल हो और जहाँ पर भाई 100-100 रुपए के अंदर कपड़े मिल रहे हो, वहाँ पर लड़कियाँ कैसे पीछे हट सकती है। और वहीं जहाँ पर क्रोकरी का आइटम मिल रहा हो, जहाँ पर रोज़मर्रा की आपको चीज़ें सिर्फ 10 रुपए के अंदर मिल रही हो, तो कैसे जो है भाई रोज़ कोई पीछे रह सकते। बच्चे कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? सर कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन एक गर्मी का बहुत ज़्यादा बुरा माहौल है। बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक तो आप बाहर घूमने के लिए जाए, एक आपके शहर के अंदर ही घूम रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है? नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। जैसे अपने ही शहर में ये सुविधा मिली है घूमने के लिए, और छुट्टियों का जैसे मौसम उसके लिए तो बिल्कुल अच्छा है ये। लेकिन गर्मी को देखते हुए काफ़ी परेशानी, अब जैसे जैसे शाम होती जाएगी गर्मी भी कुछ कम होती जाएगी। बिल्कुल, जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाती है। चाहे आपको कोई भी सामान लेना, मैजिक की बहुत सारी चीज़ें भाई यहाँ पर मिलती है। भैया मैजिक की क्या क्या चीज़ें हैं? मैजिक टावर मिले, किचन की स्लैब वगैरह साफ करने के लिए। नाम गिनवा दीजिए क्या क्या आपको। एक मैजिक टावर में डिश वॉशर स्टैंड हुआ दाग मिटाने के लिए, बिना धोए कार वैक धोने के लिए, कारपेट की डस्ट करने के लिए, पूरा आइटम मिलता है किचन का। टोटल पूरा आइटम मिलता है, देख लीजिए हर तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी। सिर्फ आपके घर पे टैप है और शावर जैसी टैप चाहिए वो भी आपको मिलेगी। और ये देख लीजिए, लड़कियों के लिए खास गर्मियों का तोहफा है, टी शर्ट्स मिलेंगी बिल्कुल सस्ते रीजनेबल प्राइस के अंदर। टॉप्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, बहुत प्यारे प्यारे टॉप्स जो है आपको इस बार समर के लिए, कुर्तीज़ मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो अलग अलग लड़कियाँ हैं अलग अलग स्टाइलिश टॉप्स पहनना पसंद करती है, क्रॉप टॉप पहनना पसंद करती है, उन सब के लिए ये सारे टॉप्स आपको मिलेंगे। लोअर मिलेंगे, जेंट्स के लिए जो है शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो है इस साइड अगर आप लोग देखेंगे तो इस साइड लड़कियों के लिए तो भाई और भी ज़्यादा भरमार है, लेकिन आप लोगों को छाटने ज़रूर पड़ेंगे, लेकिन बहुत सस्ते के अंदर मिल जाएंगे। कितने शॉर्ट? 50 रुपये। 50-50 रुपये के अंदर ना, बहुत रिजनेबल।
और स्कर्ट वगैरह ये भी 150 की दो है। ये देख लीजिए इतने प्यारी प्यारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को स्कर्ट चाहिए कुछ इस तरीके की तो वो भी आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हैं। खैर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अलग अलग तरीके के सूट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही आगे की तरफ आप लोगों को भाई जो बच्चों की पसंदीदा चीज़ होती है खाने की वो मिल जाएगी, हर एक चीज़ खाने की मिलेंगी। और ये देख लीजिए बच्चों के पसंदीदा टॉयज इस बार यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के अंदर आए हैं, चाहे आपको गन चाहिए हो या फिर कार चाहिए। और साथ ही साथ झूले तो सबके पसंदीदा होते हैं, ये देख लीजिए बच्चे जो है भागते ही झूले के ऊपर आते हैं। और ये देख लीजिए बहुत सारे लोग जो है झूला ही झूला झूलने के लिए ख़ास तौर के ऊपर ट्रेड फेयर के अंदर आते हैं और गोले का आनंद ना ले ट्रेड फेयर के अंदर आकर के पिज़्ज़ा कुल्लड़ पिज़्ज़ा वेज सैंडविच चीज़ सैंडविच तंदूरी चाय बर्गर पिज़्ज़ा भाई इन सब का मज़ा ना ले तो मज़ा ही नहीं आता। ये देख लीजिए कितने सारे लोग जो है ना सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ें टेस्ट करने के लिए आते हैं। और भीड़ जो है ना जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर बढ़ती जाएगी। और अगर आप लोग भी इन सभी का आनंद लेना चाहते हैं तो फटाफट से हिसार के अग्रसेन भवन के सामने ऑल गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर पहुँच जाइए और इस फन फेयर का इस गर्मी के मौसम के अंदर आनंद लीजिए, वो भी शाम के समय के अंदर, क्योंकि 4 बजे के बाद ही जो है ये फन मेला आप लोगों के लिए खोला जाता है ऑल गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों की जर्नी कैसी रही और आप लोगों ने कितनी मस्ती मचाई वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। और अपनी एक फ़ोटो यहाँ की आई लव गोवा सेल्फी पॉइंट के साथ ज़रूर जो है हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कीजिए, हम अपने पेज के ऊपर वो शेयर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।